हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। आपराधिक मामलों में जमानत का विषय हमेशा से ही आम लोगों के मन में एक जिज्ञासा का विषय रहा है। कोई भी क्राइम फाइल होने के बाद सबसे पहले डिफेंड इनटू जमानत पर रिहा कराना ये सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। जमानत कैसे कराई जाए, जमानत के नियम क्या हैं, किन मामलों में जमानत मिलेगी और किन मामलों में जमानत नहीं मिलेगी, इस संबंध में सीआरपीसी सेक्शन 437 से लेके 452 तक में डिटेल के साथ प्रोविजन दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जमानत क्या है, कैसे कराई जाती है और किन किन अपराधों में जमानत हो सकती है और जमानत कैसे जब्त की जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जमानत के बारे में काफी चीजें सीखेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जमानत के बारे में आप काफी चीजें सीखिए। जमानत क्या है ये समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि जमानती और गैर जमानती अपराध में अंतर क्या है, कौन से अपराध जमानती हैं और कौन से अपराध गैर जमानती हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 2A में जमानती और गैर जमानती की डेफिनेशन दी गई है। जमानती अपराध वो होते हैं जिन्हें सीआरपीसी प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दिखाया गया है या इसके अलावा किसी और कानून के द्वारा उस अपराध को जमानती बनाया गया है। चलिए अब देखते हैं कि जमानती अपराध में बेल कैसे मिलती है। जमानती अपराध का कोई अभियोग यानी डिफेंडेंट पुलिस द्वारा बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जाता है या कोर्ट में पेश किया जाता है या पुलिस के द्वारा लाया जाता है, तो अगर वो अपनी जमानत देने को तैयार है तो ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। कोई व्यक्ति अगर जमानती अपराध में गिरफ्तार किया गया है और एक हफ्ते के अंदर अंदर वो अपनी जमानत देने में असमर्थ है तो कोर्ट उसे खुद के मुचलके पर छोड़ देगा। लेकिन जमानत जब्त और प्रतिबंध कार्रवाई में ये नियम लागू नहीं होते हैं। सीआरपीसी सेक्शन 436 अभी यहीं पर यह क्वेश्चन पैदा होता है कि जमानती अपराध में एक अपराधी को जेल में कितने समय तक बंद करके रखा जा सकता है। कोई भी अपराधी जेल में बंद है तो जिस अपराध में उसे जेल भेजा गया है उस अपराध की अधिकतम सजा की अवधि का आधे से अधिक की सजा भोग लेने के बाद कोर्ट ऐसे अपराधी को जमानत पर छोड़ देगा, और अगर लैंडिफ चाहे तो आरोपी को इस तरह छोड़े जाने पर विरोध कर सकता है। किसी भी अपराधी को अपराध के लिए अधिकतम कारावास से अधिक जेल में नहीं रखा जाएगा। जैसे अगर किसी अपराधी ने ऐसा क्राइम किया है, ऐसा अपराध किया है जिसमें उसको 5 साल की सजा मिलनी है, तो उसे 5 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता। सेक्शन 436A। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि गैर जमानती में जमानत कैसे मिलती है। जब भी कोई व्यक्ति गैर जमानती अपराध करता है और पुलिस के द्वारा बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करके कोर्ट में लाया जाता है या कोर्ट में वो खुद ही हाजिर हो जाता है, तब मजिस्ट्रेट ऐसे आरोपी को जमानत पर छोड़ सकता है। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। इसकी पहली शर्त ये है कि उस अपराधी ने जो अपराध किया है उसकी सजा मृत्युदंड यानी फांसी नहीं होनी चाहिए, और जो अपराध उसने किया उस अपराध की सजा आजीवन कारावास भी नहीं होनी चाहिए, और पहले से किसी अपराध में उसको दोषी भी नहीं होना चाहिए, या फिर जो अपराधी है वो कोई महिला होनी चाहिए, या जो अपराधी है वो कोई बीमार रोगी व्यक्ति होना चाहिए। तो अगर ये सारी की सारी शर्तें हैं तो फिर उसको जमानत पर छोड़ा जा सकेगा। सीआरपीसी सेक्शन 437। अब आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर कोर्ट जमानत नहीं देता तो फिर क्या होता है। जब भी कोई मजिस्ट्रेट किसी भी हालात में और गैर जमानती या अपराध में डिफेंडेंट को जमानत नहीं देता तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी पेश की जा सकती है और सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसी जमानत पर छोड़ सकता है। सीआरपीसी सेक्शन 439 ये बताता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से गैर जमानती अपराध में जमानत मिलती है तो फिर डिफेंडेंट को सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में बेल के लिए अर्जी पेश करनी चाहिए और सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट उसको जमानत पर छोड़ सकता है। जब कोर्ट किसी आरोपी को दोष मुक्त करते हुए फैसला कर देता है तब ऐसे दोष मुक्त आरोपियों से इस बात की जमानत ली जा सकती है या अगर उनको उनकी कभी कोर्ट में जरूरत पड़ी तो उन्हें कोर्ट में आना पड़ेगा तो ऐसे जमानत ली जा सकती है। उसका अस्तित्व 6 महीने तक रहता है, वो जमानत 6 महीने तक लागू रहती है। सीआरपीसी सेक्शन 438 ये बताता है कि जब भी व्यक्ति को किसी गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार हो जाने का डर है तो गिरफ्तार होने से पहले ही सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में जमानत के लिए एक एप्लीकेशन देगा और सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट उसको अग्रिम जमानत दे देगा। सीआरपीसी सेक्शन 443 इसमें कोई भी जमानतदार जिसने किसी भी आरोपी की जमानत दी है अगर वो अपनी जमानत रद्द करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन दे तो इसका आवेदन मान लिया जाएगा और इन हालात में मजिस्ट्रेट आरोपी को फिर से एक नई जमानत पेश करने का आदेश देगा। सीआरपीसी सेक्शन 445। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जमानत जब्त होने की प्रक्रिया या प्रोसेस क्या है। जब भी कोई आरोपी न्यायालय से गैर हाजिर रहता है और जमानत की शर्तों का पालन नहीं करता है तो कोर्ट उसकी जमानत को जब्त कर लेता है और कोर्ट आरोपी से मुचल गश्ती की राशि जमा करने के लिए भी उपेक्षा करेगा। इसके अलावा सीआरपीसी में बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं जमानत के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना जमानत के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको रोजाना मिलते रहें।
दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।